मुरैना जिले के जनपद पंचायत केलारस के अंतर्गत आने वाली ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जिनमें सड़कों की बात की जाए तो बरसात के मौसम में निकला दुर्लभ हो जाता है। ऐसा ही मामला आज फिर देखने को मिला। आज सालकोड़ो ग्रामीण जन तहसील केलारस परिसर में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई कि रिजोनी और पाडोली के बीच बना रपटा सोन नदी में बरसात के पानी बढ़ जाने से निकलने में समस्या आ रही और ग्राम पंचायत में भी सड़कों पर जल भराव भी हो रहा है और इसी रास्ते से बच्चे निकलते हैं। ग्रामीणों की समस्या का निराकरण होगा या ग्रामीण जन ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए आते हैं और कहा जाता है कि इनके अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि एक तरफ शासन प्रशासन स्वच्छता अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। तहसील में ये आए हैं साहब, सड़क खुदी खुदाई रही है, मुझे लपटा है माओ, छोटे छोटे बच्चे जहाँ पर लोग पड़े गए तो परेशानी पड़ रही है, इसी की पानी है तो बच्चे ना निकल गया तो सब जाम है, न तो गाड़ी न मोटरसाइकिल कुछ नहीं है। पाड़ोली से रिजोनी जनपद पंचायत में करी तो सेक्रेटरी सरपंच होगा तो बनता है अब बन रहे तुमने कहा करना हम बनवाएंगे जाए वो ना सुन वो स्कूल रिजोनी में नद में पानी इतना पड़ा है और वो पुल नीचा है और गांव में कीचड़ भारी हो रहा है, आरसीसी नहीं हुई है, परेशानी बहुत है कटने की, हाईवे जाईवे की, हर खेतों को कोई ना पहुंचे। मुरैना से गौरव गोड़ की रिपोर्ट।